अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में यह प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के 71 विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं। इसको लेकर संवाददाता चित्रा पटेल ने विधायक विकास उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर और RDA अध्यक्ष शिव ठाकुर से सीधी चर्चा की। प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अग्निपथ योजना से इस देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में जाएगा। हम इस योजना के विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं। देश के 5,000 से भी ज्यादा विधानसभाओं में आज सत्याग्रह हो रहा है। देखिए, केंद्र पार्टी नरेंद्र मोदी जी को सदबुद्धि दे भगवान, इसलिए हनुमान चालीसा पाठ हो रहा है ताकि अग्निपथ योजना को वापस ले और सेना पूर्ण भर्ती हो। जैसे हमारे कांग्रेस पार्टी तब तक आंदोलन करते रहेगी जब तक कि ये अग्निपथ वापस नहीं ले जाएगा। हमारे नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि इसको वापस लेना रहना पड़ेगा। जिस तरीके से किसानों से उन्होंने माफी मांगी थी, उसी प्रकार से युवाओं के देश की युवाओं से माफी मांगेगी। पाटन क्षेत्र में प्रदर्शन करेंगे। मैं चित्र प्रदर्शन के न्यूज रायपुर।